बेमेतरा पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर ही सुलझा दिया। आपको बता दें कि कल सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पेड़ी तराई में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई राजेश मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि बीते 2 सालों से मृतिका के साथ प्रेम संबंध था। घटना के दिन फोन करके युवक को मिलने के लिए बुलाया और अपनी सगाई की बात युवक को बताई, जिसके बाद युवक और युवती में कहासुनी हो गई। इसी से नाराज होकर युवक ने युवती के दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर हत्या कर फरार हो गया। पर युवती 3 दिन से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। निकले घर बृहस्पति के दिन 2-2.5 बजे निकले है। हाँ। और देखे जाते हैं निकले है और तहां पर देखा तो की कमन आरो नहीं करे। हाँ। सांझ कन खोजन आरती उरती खोज बात रिपोर्ट कर रही है काली जोर। अच्छा, काली जोर कर रही है। जानकी निषाद पेंडी तराई की एक महिला है, जिसकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है और रजकुड़ी में उसका मामा घर है, जहाँ वो आते जाते रहती थी। उसी दरमियान रोशन साहू, जो रजकुड़ी निवासी है, उसकी उससे जान पहचान और उसकी दोस्ती हो गई थी और पिछले 2.5 वर्षों से दोनों का अफेयर था। विगत 2-3 महीने से जानकी निषाद की सगाई हो गई थी और इसी बात को लेके वो मिलने पहुंचा था वहाँ और कुछ बातचीत हुई, चूँकि अफेयर था इससे, और वो उससे फिर उसके दुपट्टे से उसके गले को कस के उसकी हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर नहीं, 2-3 घंटे में ही जो ब्लाइंड मर्डर था उसको ट्रेस कर लिया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया था। आज इसको गिरफ्तार करते हैं।